हेलो गाइज वेलकम बैक टू बफ पी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में गएसम हम बात करेंगे इंडिया वर्षे श्रीलंका के बीच जो फाइनल मैच होने वाला है थर्ड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच जो कि एक तरीके से सीरीज डिसाइडर होगा एक मैच श्रीलंका ने जीता है एक मैच इंडिया ने जीता है तो ये वाला मैच जो है डिसाइड करेगा कि कौन सीरीज़ को सील करता है बात करेंगे इस क्विक होगा काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा उससे पहले गए लास्ट दो मैच देख लेते हैं हमने क्या किया है ये थी गईज हमारी लास्ट मैच की टीम इसमें गईज जो है हार्दिक पांड्या को हमने लिया था हालांकि गई पॉइंट हमने बहुत अच्छे स्कोर किए थे 610 मैंने देखा लोग 580 पे जीत गए थे 588 पे जीत गए थे लेकिन मैं अपने छः में से दो ही कॉन्टेस्ट जीता था तो जब मैं ही नहीं जीता हूँ तो मेरे बंदे फिर कहाँ से जीते होंगे ऐसा मेरा मानना है है ना फाइव एट्टी एट वाले अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप बोल रहे थे इस मैच में तो मेरे लिए तो लॉस ही हुआ था तो टीम अच्छी थी ऐसा नहीं है टीम बुरी हो टीम अच्छी थी यहाँ से गाइस मलिक साहब कैप्टन थे यहाँ से मैंने गाइस पहला जो मैच था हार्दिक पांड्या को उसमें ड्रॉप किया था क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं था लेकिन उसने मैंने देखा कि पांड्या ने भाई तीन ओवर डाल दी और स्टार्टिंग भी ओपनिंग भी वही कर रहा था बॉलिंग से तो मैंने कहा यार हार्दिक को लेना ज़रूरी है तो इसलिए सेकेंड मैच में ले लिया अदरवाइज अक्षर को ले लेते है ना लेकिन अक्षर का कोई रिकॉर्ड नहीं था वो चमक गया तो कोई बात नहीं आ, इसके पहले वाले ये हमारी लास्ट मैच की टीम थी फर्स्ट टी ट्वेंटी की टीम भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ तो कैसे ये थी हमारी फर्स्ट मैच की टीम कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सिमिलर के साथ गया था और आज भी हो सकता है सिमिलर के साथ जाऊं अभी आपको उसका रीज़न आगे बताऊंगा तो ये थी हमारी फर्स्ट मैच की टीम 547 पॉइंट्स थे हमारे अच्छी खासी हमने विनिंग्स करी थी रिजल्ट भी आप सामने देख सकते हो इसमें कैसे हमने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया था दुनिया लेके आई थी है ना तो हमने यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया था वो काम करके गया हमारा यहाँ से हमने शनाखा को पहले मैच में भी लिया दूसरे में भी लिया लोग परसेंटेज देख के लाते हैं लेकिन हमारा काम है जब हम स्टैट्स बता रहे हैं तो हमको पता है नॉलेज कौन सा प्लेयर कब कहाँ चमक सकता है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर प्लेयर्स लिए थे पहले मैच में आप देख सकते हो अच्छा पहले मैच में चहल को दो ही ओवर दिए गए थे तो इस वजह से चहल ने अच्छा किया या नहीं किया ये हमें जज करना सही नहीं रहेगा बात कर लेते हैं काइस आज का जो मैच है आप देखना मैच में आज के जो वेन्यू है वो काइज़ कौन सा है एस सी राजकोट यानी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है जो राजकोट के अंदर स्टेडियम वहाँ पर काइ ये मैच होने वाला है लास्ट टी ट्वेंटी इंटरनेशनल का मैच यहाँ पर कब हुआ था जून का महीना था 2022 में सत्रह जून को हुआ था मैच उसमें क्या हुआ था जो टीम इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का हुआ था तो यहाँ से जो टीम टॉस जीती थी यानी साउथ अफ्रीका की टीम उसने बॉलिंग ली थी तो जो पहले बैटिंग कर रही थी उस टीम ने 169 बनाए थे छः विकेट के नुकसान पर जो भाई टीम चेस कर रही थी यहाँ पर 87 पे पर कोलेप्स हो गई थी पूरी तरीके से उस मैच में हमने क्या देखा ये इंडिया ने ही बनाए थे 169 सिक्सटी नाइन हालाँकि स्क्वाइड चेंज है तो इंडिया बोलना सही नहीं होगा एक आप डिफॉल्ट टीम के रूप में स्कोर देख लीजिए तो उस मैच में क्या हुआ था पहली बारी में देखो राइट आर्म पेसर्स को चार विकेट मिले थे लेफ्ट आर्म पेसर्स को एक विकेट मिला था यानी पहली पारी में पाँच विकेट मिले पेसर्स को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मेरा को सिर्फ एक विकेट मिला वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर को चार विकेट मिले लेग स्पिनर्स को दो मिले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मेरे को एक विकेट मिला यानी जब पिच थोड़ी सी यूज हो गई तो उसके बाद यहाँ पर जो है स्पिनर्स को भी मदद मिली तो इन शॉर्ट अगर हम लास्ट मैच की गई सॉरी लास्ट मैच की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर गई आप देख सकते हो आठ विकेट मिले थे पेसर्स को और यहाँ से दो तीन चार पाँच विकेट जो है यहाँ पे मिले थे स्पिनर्स को तो आपके लिए जितने प्लेस इंपॉर्टेंट हैं उतने ही स्पिनर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप जो है टीम यहाँ पर जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करें उसके बॉलर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो उसके टैलेंटेड बॉलर्स को जिनका रिकॉर्ड है है ना जिनका है ट्वेल्व में रिकॉर्ड है उनको कंसीडर कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलना इस मैच में क्योंकि वन सिक्सटी नाइन बने थे छः विकेट के नुकसान पर इससे आप समझ सकते हो और यहाँ पर छः विकेट आए भी थे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है बैटिंग इतनी भी ईजी नहीं हो रही थी हालांकि बात कर लेते हैं इस वेन्यू की लेकिन उससे पहले मैं आपको एक, -एक रिव्यू में दिखा दूँ यहाँ से कहीं हम दो मैच की ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ तो उसमें आप देख लेना मैं यहाँ से कोई बता देता हूँ लास्ट पाँच जब दोनों टीम आपस में खेली हैं लास्ट पाँच मैच तो हेड टू हेड स्पेशल्स यानी स्पेशल प्लेयर कौन से थे वो ये सारे हैं और उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर लिखा है कौन सी पारी में किया था ये आप अपने खुद देख लेना मैं बार बार पढ़ के बताऊँगा नहीं ओवरऑल हेड टू हेड जब दस पंद्रह मैच जो भी टीम्स ने आपस में खेले हैं तो उनमें कौन से प्लेयर्स ने क्या किया ये भी आप अपने सामने देख लेना इंपैक्टफुल प्लेयर बैटल ये है इसको देख लेना इम्पैक्टफुल है ये एक बार आउट किया तो वो नहीं आपको मिलेगा टॉप इन फॉर्म प्लेयर्स कौन से है दोनों टीम से आप देख लेना जो प्लेयर फॉर्म में अभी बात करेंगे इस वेन्यू की तो चलते हैं इस वेन्यू के ऊपर यहां से इस वेन्यू के ऊपर देखो श्रीलंका का तो कोई रोल नहीं है अभी तक रहा नहीं है मतलब इस वेन्यू पर इंडिया ने यहां पर खेला है टी20 प्लस आईपीएल तो प्लेयर्स ने टी20 फॉर्मेट के अंदर इस वेन्यू पे क्या किया है यहां से देख लो एक बार को एक प्रिव्यू अक्षर पटेल चार मैच में सात विकेट है इस वेन्यू पे आज जहाँ मैच होने वाला है दीपक हुडा एक मैच में एक विकेट हार्दिक पांड्या दो मैच में जीरो विकेट राहुल त्रिपाठी दो मैच में दो विकेट हालांकि बॉलिंग के चांसेस जीरो के बराबर है वॉशिंगटन सुंदर एक मैच में एक विकेट युजवेंद्र चैल पांच मैच में नौ विकेट बात करेंगे इस बैटिंग से तो अक्षर पटेल चार मैच में सैंतालीस रन है केवल हार्दिक पांड्या तीन मैच में इक्यावन रन है हर्षल पटेल एक मैच में एक रन है ईशान किशन पाँच मैच में एक सौ तैंतालीस रन है इस वेन्यू पर राहुल त्रिपाठी एक मैच खेला है तैंतीस रन किए हुए हैं यहाँ पर ऋतुराज एवट ने एक मैच खेला है यहाँ पर पाँच रन किए संजू सैमसन ने एक मैच में उन्नीस रन किए हैं तो ये था इस इनका वेन्यू परफॉर्मेंस अब आपको लगा होगा कि किसी का कुछ खास तो है नहीं ज़्यादा लेकिन अब यह क्या है यहाँ पर देखो प्लेयर स्टेप अप करते हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना और एक अपने दिमाग में सिचुएशन बनाना कि अगर यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में इंडिया आ गई या श्रीलंका आ गई तो वो क्या कर सकती है ये आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि देखो प्लेयर अप करते हैं शनाखा ने किया और मतलब शनाखा तो करता ही करता है यहाँ से आप उस दिन देखो अक्षर पटेल ने पैंसठ रन बनाए शिवम माँ भी आया बंदा भाई छः सिक्स सिक्स मार रहा है तो प्लेयर स्टेप अप करते हैं बस फ़र्क यही है यह कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर किसकी कितनी क्षमता है तो ये आपको किसके ज़रिए पता चलेगा जो मैंने आपको हेड टू हेड स्पेशल्स बताए हुए हैं उस पर ध्यान दें ओवरऑल हेड टू हेड बताया उस पर ध्यान दें प्लस ये जो आपको मैन्यू का बताया इस पर ध्यान दें ये तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे उसको आपको क्लब कर लेना इसके साथ कि यहाँ पर किसको मदद मिलती है कैसी स्कोरिंग होती है तो आपके दिमाग में खुद एक फॉर्मेशन आ जाएगा देखो हमेशा ग्रैंड लीग टीम आपके दिमाग में दो से तीन सिचुएशन होनी चाहिए कि मैच में क्या हो सकता है अगर आपके पास दो तीन सिचुएशन नहीं है तो आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बना सकते जितने भी लोग ग्रैंड लीग जीते हैं वो अपनी सोच से जीते हैं हमेशा ध्यान रहन रखना ये चीज़ सोच और थोड़ा सा लक देखो लक तो होता ही होता है थोड़ा नहीं लक बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन यार जब आप लाखों लोगों में हज़ारों लोगों को हराने की क्षमता रखते हो क्षमता रखनी है आपको अगर तो आपको अपनी सोच का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना पड़ेगा लग आज नहीं है तो कल बरसेगा कल नहीं तो परसों बरसेगा लेकिन जो है आपकी मेहनत जो है लगन जो है आपकी ग्रैंडलीग कॉम्बिनेशन अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन देखो हमेशा है क्या है कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाओ इसी दिन तो आपके हिसाब से स्कोरिंग होगी ना भाई तीन सौ पैंसठ दिन मैच होते हैं हर दो दो घंटे में मैच होते हैं तो आप जो अपनी जो तरीका है उसको अपना लो एक और उसी के जो है पैटर्न अपना उसी पैटर्न पे आप ग्रैंड लिग की टीम्स बनाएँ चलते हैं स्मॉल लीग टीम की तरफ आज के मैच में गाइज़ आज के मैच में मेरी स्मॉल लीग की टीम क्या हो सकती है चलो स्मॉल लीग टीम बना लेते हैं यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ इस वीडियो में गिव अवे भी, भी है वो भी अभी आपको आगे बताऊँगा यहाँ से ईशान किशन को रख लेते हैं अभी कुशल ब्रेंडिस को अगर कोई प्लेयर सही नहीं लगा तो रख लेंगे सूर्या को रखते हैं शनाका रहेंगे मेरी टीम में निशांका भी मेरी टीम में रहेंगे देखो मैंने इस बंदे को दोनों मैच लिया पहले मैच में भी लिया था सेकंड में भी लिया अब फिर से लूँगा क्योंकि ये बंदा भाई टैलेंटेड है, है ना तो इसको लेना उचित है यहाँ से मैंने आपको देखो क्लियर स्पष्ट शब्दों में लास्ट मैच की वीडियो इसी टीम पर में बताया था चरित असलंका भनुका राजापक्षा दोनों ही एक से प्लेयर्स हैं उनकी बैटिंग टेक्निक पूरी एक सी है तो आप इन दोनों को अपनी ग्रैंड लीग टीम में रखना कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर देना है ना दोनों ही सिमिलर थे असलंका मेरे हिसाब से अच्छा करके गया था लास्ट मैच में यहाँ से कहीं शुभमन गिल को मैं लूंगा अभी के लिए गए ये चार बैटर्स मैंने ले लिए यहाँ से कहीं हार्दिक पांड्या को लेना नहीं लेना अभी डिसाइड करेंगे पहले प्लेयर्स अदर हम देख लेते हैं अक्षर पटेल ने इस वैन्यू पर विकेट्स निकाले हुए हैं तो हर्ष इसको रखेंगे हसरंगा कभी भी कुछ भी कर देता है यार इसको लेना और नहीं लेना दोनों ही रिस्क है है ना लेना भी रिस्क है और नहीं लेना भी रिस्क है यहाँ से कहीं इस, इस वेन्यू पर जिस तरीके से स्पिनर्स को मदद मिली है तो हम आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन यहाँ से उमरान वाले इंपॉर्टेंट मावी को ले लेंगे स्क्वाइड में हो सकता है और भी कोई हो इनके पास तो वहाँ से लोग चेंजेस uh, हो सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सीरियस मैच है ये कोई वो तो है नहीं कि को कोई टीम सीरीज जीत गई हो तो चैल करे मैच में यहाँ से गई इस टीक को लास्ट मैच में नहीं लिया था आज हम लेंगे राइट आर्म ऑपरिक स्पिनर है बंदा यहाँ से गई युषवेंद्र चैल लास्ट मैच ओवर डाले थे कितने चार कराए थे ना तो यहाँ से गईस ये इंपॉर्टेंट है अब गाइस ऑप्शन तो और भी है लेकिन बड़ी बात है मुझे लग रहा है गाइस आज के मैच में ये बंदा खेलेगा दो नित्व अगले मुझे ऐसा लग रहा है अगर बंदा खेलता है तो इसको ले लेना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है पास्ट में यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग लेक्सपेन्स को मदद मिली हुई है अर्शदीप सिंह लास्ट मैच खिलाया था बंदे ने और काफ़ी सारी नो बॉल स्टार दी थी, थी जैसा मैं न्यूज़ पढ़ रहा था इसलिए दो ओवर इसको मिले थे तो अर्शदीप सिंह खेलेगा तो अर्शदीप सिंह को भी हम यहाँ से ले सकते हैं अभी के लिए मेरी फाइनल टीम चलो एक काम करो मावी को हटाओ यहाँ से अर्शदीप सिंह को रख लेते हैं है ना या तो यहाँ से मैं इसको मधुशंका को रख लेता हूँ रजिता ने भी लास्ट मैच अच्छा किया था भाई मेरा तो दोनों में ही कन्फ्यूजन था कि मैं रचिता को लूँ क्या हो गया नाइट को रचिता को लूँ या इसको लूँ मधुशंका को तो फिर मैं फ़ाइनल मधुशंका के साथ ही चला गया था तो ये चलो अभी के लिए मान लेते हैं मेरी फाइनल टीम ऑलमोस्ट है एक ही एक या दो चेंजेस होंगे इसमें देखो चेंज कहाँ से नहीं होंगे यहाँ से नहीं होंगे चेंज होगा यहाँ से हो सकता है मैं इसके साथ चला जाऊँ हार्दिक पांड्या के साथ है ना यहाँ से कहीं एक बॉलिंग पे चेंज हो सकता है ये ठीक पे मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है वो बाहर जा सकता है तो जो भी होगा हाँ कैप्टन वाइस कैप्टन अपने बता देता हूँ इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो उमरान मलिक शुभमन गिल ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे पहले दो मैच में भी यही रहे हैं आज भी यही होंगे यार इस बंदे से मुझे बहुत सारी उम्मीद है पता बहुत सारी उम्मीद है और मैं मैं हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर बताता हूँ कि मेरा लक और इंडियन ओपनर्स का लक मतलब इंडियन ओपनर्स को चाहे आई हो चाहे ये इंटरनेशनल हो मैंने कभी भी अगर किसी बैटर को बनाया है कैप्टन तो वो कभी भी नहीं चला है कभी बिकाइज़ वो कभी भी नहीं चलाया तो यही रीज़न है आ, लेकिन मैं यार शुभमन गिल से अभी एक्सपेक्ट कर रहा करूँ दो सीरीज से तो इसलिए मैंने इसको वाइस कैप्टन दिया हुआ है तो ये मेरी फाइनल टीम हो सकती है बाकी कोई भी चेंजेस होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बैट बॉ एवन की लिंक मिल जाएगी तो डाउनलोड करें खूब सारा वहाँ पर खेलें हमारे बंदे खेल रहे हैं चैनल पर आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पर आपको एक जो है मंथली लीडर बोर्ड भी मिलेगा कल ही उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वहाँ पर आप खेलें सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पर आपको खेलना है हमारे बताए हुए और आप अच्छा खासा हर महीने विन भी कर सकते हो हमारी तरफ से भी है ना आप जो खेल के कमाओगे वो तो है ही प्लस हमारी तरफ से भी विनिंग्स कर सकते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक प्लस उन सारे एप्लीकेशंस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस